हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपका नाम सर? गिरिवर साहू। गिरिवर साहू जी आए हैं छत्तीसगढ़ से, ये आज ट्रेनिंग के लिए और डेमो के लिए, साथ में मशीन भी इनको परचेज़ करनी है, तो हम ग्राउंड पर लेके आए हैं इनको। और ये हमारे हाथ में आज है PQWT S 300, तो हम इसका ट्रेनिंग देने जा रहे हैं सर को, और बाद में सर से हम फीडबैक भी लेंगे कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी मशीन कैसे ऑपरेट की जाती है। आप ऑनलाइन भी हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझने में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्ट कर लिया है केबल को, और ये दोनों रॉड भी कनेक्ट कर लिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। मशीन भी स्टार्ट है हमारी, तो सबसे पहला काम हमारा है लाइन टेस्ट का। लाइन टेस्ट दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइन टेस्ट से हमारा पता चल जाता है कि हमारा जो लाइन है, जो हमने कनेक्टिविटी कर रखी है, वो ओके है कि नहीं। तो सर सबसे पहले आप यहाँ आके देख लीजिए, फिर प्रोफाइल सर्वे में आप जाएंगे, ये सबसे टॉप पे लाइन टेस्ट का ऑप्शन है, तो दोनों को एक दूसरे से क्रॉस करें। हम दोनों वायर्स रोड्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में लाइन टेस्ट को प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ ग्रीन लाइट जल रहा है, ये ग्रीन लाइट, इसका मतलब कि लाइन हमारा ओके है, वायर ओके लगी। उसके बाद हम वायर को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। पहला केबल आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए वाला। अब जैसे मान लीजिए हमने पहला केबल इस जगह पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो है 10 मीटर पे चला जाएगा, तो ये केबल ही हमारी 10 मीटर की है। और आप जब जाएंगे ग्राउंड पर सर्विस देने, तो साथ में एक जो टेप आता है ना जी, वो आप साथ में लिए रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ बस लगा दो, थोड़ा सा हल्का सा ढीला ही रखो, 10 मीटर हो ही जाएगा वो। तो इसमें सर S500 में और S300 में एक ऑप्शन ये भी है कि आप डेप्थ सेलेक्ट कर सकते हो जी। डेप्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और अभी जैसे लाइन वन है, ये पूरा हमारा लाइन वन है जी। तो लाइन वन मीन्स कि ये हमारा सर्वे एरिया एक है, हम लाइन वन पे काम करने जा रहे हैं। डेप्थ सेलेक्ट है इसमें 100 मीटर, आप इसे चाहो तो 150 मीटर या 300 मीटर भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम 150 मीटर कर लेते हैं और इसे ओके कर दे रहे हैं। गेन को नॉर्मल कंडीशन में आपको जीरो ही रखना है, गेन को आपको बढ़ाना नहीं है। वो ऐसी कंडीशन बढ़ाया जाता है जैसे बहुत रॉकी एरिया है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप गेन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको गेन नहीं बढ़ाना है जी। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। लाइन वन है, साइड वन है, ठीक है सर, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है साइड वन। तो यहाँ से हम रिकॉर्ड बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे और ये हमारा डाटा कलेक्ट होना ब्राइटनेस और बढ़ाएगा सर? देख लेंगे, अगर ब्राइटनेस बढ़ाने का ऑप्शन होगा तो हम बाद में देख लेते हैं, फिलहाल ये स्कैन करके देख लेते हैं। तो ये डाटा हमारा कलेक्ट होने लगा सर। मुश्किल से ये 1 मिनट का टाइम लेगा एक डाटा कलेक्ट होने, डाटा कलेक्ट करने में। जैसे जैसे हम डेप्थ ज़्यादा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम भी बढ़ जाता है। ऑप्शन है, अभी वीप साउंड आया तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब हम 1 मीटर पे इसे लगा देंगे, यहाँ से निकाल के एक मीटर यहाँ आगे बढ़ाते हुए हम इस जगह पे इसको ज़मीन में लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाली को भी 1 मीटर आगे, दूसरा भी आगे 1 मीटर पड़ जाएगा। अब आप जब वो लेंगे ना, तो उसे मार्क कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थोड़ा सा चाक या चूने से उसे मार्क कर लेना है आपको। अभी फिर दोबारा सर, लाइन तो वन ही रहेगी, लाइन साइट हमारी टू हो गई, मतलब दूसरे नंबर की साइट पे हम कर रहे हैं। तो इसे रिकॉर्ड दोबारा हमें बटन दबा देनी है, ये दोबारा चालू हो गया। जब आप सर्वे करिएगा तो अगर आपके पास स्पेस है तो कम से कम 10 पॉइंट करिएगा। 10 पॉइंट करने से क्या है ना कि हमें एक अच्छा ग्राफ मिलता है एनालिसिस करने के। किसान भाइयों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पीके वाटर डिटेक्टर्स में। किसान भाइयों जैसे आप ये मशीनें देख पा रहे हैं, ये वो मशीनें हैं
दोस्तों, जो कि आपकी खेती में पानी की समस्या का समाधान है कि आपकी खेती में किस जगह पर कितनी गहराई में पानी उपलब्ध है वो आपको ये सभी मशीनें बताती हैं। प्लस इन मशीनों का एक और बेनिफिट होता है दोस्तों कि ये जमीन में पानी के साथ साथ आपको जमीन का पूरा लेयर्स बताती हैं कि कितना फिट मिट्टी, कितना पत्थर कंक्रीट आने के बाद किस गहराई पर आपको पानी उपलब्ध होगा। अगर आप इस तरह से कोई भी मशीन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस किसान भाइयों, एक हमारी कंपनी लूप टेक्नो की तरफ से एक ऑफर भी है आपको। अगर आप इस मशीनों का बिजनेस करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप हमारी डीलरशिप ले सकते हैं। तो इस सभी चीजों के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट रहे या आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सही है, हाँ। तो उसमें आप बेस्ट चूज कर सकते हो जो कि सबसे अच्छा ड्रिलिंग पॉइंट हो। ये इसमें चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, यहाँ से आप मशीन को चार्ज कर सकते हैं। इसके पीछे दो सेल लगे हुए हैं, 4000 mAh की इसकी कैपेसिटी है। ये दो पॉइंट हमारे इसके हैं, तीसरे पर लगाइए। एक मीटर और आगे हम लगाते हुए इसको यहाँ लगा देते हैं। ऐसे देखो, ठीक है सर, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये साइड 3 हमारी चालू हो गई। जी, अब देखिए यहाँ साइड में हल्का हल्का ग्राफ दिख रहा है, यहाँ ग्राफ बन रहे हैं ना साइड में, जो ग्राफ मैंने बताया था अप डाउन वाला, बड़ा कर वो चीज़ बनने लग जाएगी। स्कैन करने के बाद जैसे जैसे स्कैन करेंगे ग्राफ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा वो। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह के हमारे पास जो है काफ़ी सारी वीडियोज आती रहती हैं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हो गया सर, ये कंप्लीट हो गया, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम चौथे पे लगाते हैं ऐसे, इसको आगे 1 मीटर हम बढ़ा करके। तो आप थोड़ा चूना वूना लेके थोड़ा मार्किंग कर लेंगे ना तो आपको पता रहेगा। ऐसे तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ जी, लेकिन आप मार्क करके रखेंगे तो सही पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये चौथा पॉइंट के लिए हमें फिर हर बार रिकॉर्ड बटन दबानी है बस। अब ये साइड 4 हमारी चालू हो गई, लाइन 1 साइड 4। अच्छा, जो दीपक जी यही मशीन यूज़ कर रहे हैं? नहीं, इसका छोटा मोटा, उसमें ये बॉक्स नहीं है, वो मोबाइल सेट है। मशीनें तो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो साइंटिफिक मशीन है ना वो यही है। ये एक्चुअली उस बेस पे है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी को ECG स्कैन करता है जी, अलग अलग बॉडी पे लगा करके कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से ये स्कैन करती है। ये पानी चेक कर, मतलब जो जमीन के पानी के अवेलेबल पता कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हो आप लोग? जैसे अपन बोर ड्रिलिंग करते हैं तो कितना डेप्थ में पानी आएगा, क्या कैसा? ये पार्क के लिए पर्टिकुलरली या पूरे एरिया? नहीं नहीं, ये पार्क में तो हम लोग सिर्फ ये आए हैं सर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, तो इनको हम ट्रेनिंग देने आए हैं जी। ये पूरे एरिया का पता लग जाएगा कितने नीचे? हाँ, जितना हम स्कैन करेंगे करना चाहते हैं। जैसे अपने दिल्ली में यहाँ तो पानी की प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह पानी की प्रॉब्लम रहती है या देखना होता है कि एक्चुअल डेप्थ क्या है, उस जगह में एरिया में आप सर्च कर सकते हैं अलग जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का क्या है, कितने डेप्थ है यहाँ का? अभी तो देख रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं, यहाँ का तो बताएगी अभी। तो ये साइड 5 है सर, हाँ पांचवा साइड चल रहा है। तो ऐसे ही आप 5, 10, 15, 20 मतलब मिनिमम 10 लेके चलिए अगर स्पेस है तो। उसमें क्या कहता है कि अच्छा रिजल्ट हम उसमें से जनरेट कर सकते हैं, स्पेस ज़्यादा लेंगे तो एक अच्छा पॉइंट लोकेट हो सकता है। हाँ, उसमें अच्छा पॉइंट लोकेट हो सकता है हमें। सर मेरे ख्याल से जो पानी का जो यही लेवल ही दिखाएगा कि अगल बगल भी दिखा रहा होगा, क्या रहता है इसमें? अगल बगल आपका 1 मीटर का रेशियो लेके चलता है। अच्छा, जो अपने रॉड डाले हैं, हाँ। तो रॉड से कितना डिस्टेंस है, मतलब 1 मीटर का वो रेशियो लेके चलता मीटर है के करीब का। अगर आप दूसरा लाइन स्कैन करना चाहते हो तो 1 मीटर आगे आगे फिर बढ़ा करके फिर कर सकते हैं। ये हो गया सर, अगला लगाइए। ये 5 हो गया, अब 1 मीटर और आगे हम चले जाते हैं। हाँ, यहाँ लगा देते हैं। और दोस्तों, जो है अगर कोई क्वेश्चन हो या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी को सर्विस चाहिए तो सर हमसे मशीन लेने वाले हैं, तो मैं इनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बोर बिल लगवाने हैं या चेकिंग कराना है। ठीक है, तो मैं इनका सर का नंबर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे कर रखता हूँ,
आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बोरवेल करवाना चाहते हैं या वाटर का पॉइंट सर्वे करवाना चाहते हैं तो सर का नंबर बीच में वीडियो में मिल जाएगा आपको, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों अगर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बढ़ाइए, ये हो गए सेवन सेवन ना जी। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग करो, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया सर्वे एरिया कितना, अगर कम है तो आप कम पे भी एंड कर सकते हो। नेक्स्ट लगाते हैं सर साइड एट, जो आ रहा है ना जी, जो ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है इसमें 36 फ्रीक्वेंसी है और उन सब की ये वैल्यू आती है, तो ग्राउंड के अंदर जितनी अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी जी वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा वाटर मिलने के चांसेस रहते हैं। वैल्यू जितनी कम मिलेगी वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये आप वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस होता है कितना बढ़ता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है 3307, मतलब बहुत बढ़ता ही जाएगा आगे आगे जैसे जैसे करेंगे तो ये डाटा बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ पर अच्छी वैल्यू मिलने का रीज़न यही है कि यहाँ पर पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं रहता ना सर। नहीं नहीं, नहीं वाटर लेवल का यहाँ का, यहाँ तो ज़्यादा ज़्यादा होगा तो मुझे लगता है 40 फीट, 40 फीट वाले 40 फीट से ही स्टार्ट है वाटर। तो, क्या नीचे क्या मिट्टी मिट्टी पत्थर ही रहते क्या वो सब अभी आपको इसमें दिखा देगा कैसा है स्ट्रक्चर। तो ये साइड 9 हो गई हमारी, चल पूरा ड्राई एरिया होगा तो पूरा येलो टाइप में आएगा, रेड टाइप में आएगा, और ऐसे में तो आप अभी देख लेना यहाँ का मैप अलग ही बनेगा क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा नमी वाली ज़मीन होगी ग्रीनरी होगी वो अलग दिखाएगा, अलग सूखा या हार्ड होगा वो रेड ब्राउन इस टाइप की येलो ये वाली चीज़ें दिखाएगा। जैसे कहीं पे अगर पानी बहुत कम है हाँ, तो क्या दिखाएगा, जैसे अपने पत्थर साफ हुआ तो क्या दिखाएगा वहाँ पे? इसमें जैसे येलो ब्राउनिश शेड डार्क जो कलर होते हैं ना उस टाइप का शो करेगा, ब्लू कलर कम शो करेगा। पानी अगर कम है तो वहाँ की वैल्यू लो आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्चर्स भी बन के दिखाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग कलर आएंगे। बढ़ाइए एक और पॉइंट आउट हो गया, हाँ एक और ले लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हम 10 पॉइंट स्कैन कर रहे हैं। आप सर जो है ना चूना ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मार्किंग करते चलिए कि कहाँ कहाँ निशान हमने लगाया, जरूरी होता है ये तो पता लगे, आइडिया नहीं लगेगा वरना कितना कितना गैप पे लिया, एक एक मीटर लेना एक नापने के लिए कोई मेजरमेंट के लिए फीता वगैरह। जब हम स्कैन कर लेते हैं ग्राउंड को तो बात आती है पॉइंट लोकेशन की, हमारा जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर 5 पे दिख रहा है कि हमें पॉइंट नंबर 5 पे पानी लगेगा, वहीं हमें ड्रिल करना है, तो 5 पॉइंट कैसे समझोगे आप? अभी तो हम 10 का मतलब 20 मीटर पहुंच गए हम, ठीक है, अब वो 10 समझेंगे या ये 10 समझेंगे? तो इसके लिए क्या करना है हमें, 5 मीटर इधर से कम कर लो जी, 5 मीटर उधर से कम कर लो, जैसे मैंने बताया था कि और जो 5 मीटर कम करोगे ना वही आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 जैसे आपका आता है वही आपका पॉइंट होगा, क्योंकि हम 10 मीटर इधर बढ़ रहे हैं उधर से डाउन हो रहे हैं, डाउन हो गया तो 5 उधर से घट जाएंगे 5 इधर से घट जाएंगे, और उधर से घटने के बाद सिंपल सा फंडा है सर, उधर से 5 मीटर इधर से कम करते 5 मीटर पे आए वो पहला काउंट। तो ये सर हमारा अभी फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, अब यहाँ से हम लूज कर लेते हैं, ये पिन प्रेस है यहाँ से इजीली लूज करो, अब डाटा टोटल इसमें सेव हो चुका है। आइए सर दिखाते हैं आप, यहाँ पर एक तो प्लस माइनस का निशान है, इसको हम ग्राफ को ये कर्व ग्राफ बोलते हैं इसे जी, इसे हम इसे प्लस कर लेंगे बड़ा कर लेंगे थोड़ा। सेकंड आता है प्रोफाइल, प्रोफाइल ले लेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं जो वैल्यू है ये बहुत हाई लेवल की वैल्यू है, नॉर्मली आप कहीं स्कैन करोगे तो 1.09 तक जाता है 10 तक जाता है, मतलब 1 2 3 4 तक जाता है, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, अगर ऐसी वैल्यू आपको कहीं मिलती है ना तो आप आँख मूंद के वहाँ ड्रिल कर सकते हो आपको पानी लगेगा जी जी, ऐसी वैल्यू अगर इतनी हाई मिलती है तो इसे भी हम बड़ा कितना रहे, कम से कम कितना रहना चाहिए सर?
01 से लेके 0.9 तक की वैल्यू को अच्छा नहीं माना जाता, उसके ऊपर जितनी भी आती है, जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू आती है उतना ही अच्छा है, 3 पॉइंट है। हाँ, वो फ्रैक्चर्स भी हमें एनालिसिस करने पड़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पर, इसमें थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी है, ये सॉफ्ट मिट्टी है जी। और ये एरिया जो डार्क का जगह में ले जाए के अंधेरे ले जाए, उधर ब्लैक जाता है, लाइट आ रहा है। पहला हमारा कर्व ग्राफ आता है जी, इसे हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ एक्सपोर्ट का बटन दिया गया है। एक्सपोर्ट से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप एक्सपोर्ट करके कंप्यूटर में या मोबाइल में उसका क्लियर इमेज ले सकते हो। तो यहाँ एक्सपोर्ट कर दिए इसे हम, ये एक्सपोर्टिंग हो रहा है जी। ऐसे ऐसे चार ग्राफ आते हैं इसमें, और चारों आप एक्सपोर्ट करके उसे ले सकते हो कंप्यूटर में या मोबाइल में, जहाँ भी चाहो। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल हमारा यदि मेन ग्राफ ही है, इसे हम यहाँ से प्लस माइनस से बड़ा कर लेंगे जी। और ये सब एनालिसिस करना पड़ता है। ये जो लाइनें हैं सर जी, ये हमारे फ्रैक्चर्स लाइनें होती हैं, और ये जो कलर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादातर चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा वाटर मिलने के इस कलर में। ये कलर जो ये जो एरिया है येलो कलर का, ये ड्राई एरिया होता जी। है ये जो है कलर, ये हमारे ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसमें वाटर मिलने के जी। जी,